ऑन टू नेक्स्ट मेथड ठीक है दिस इज कॉल्ड नंबर टू दिस इज कॉल्ड चार्टसा चार्टसा चरसा नहीं है भाई ये चरसा या चरसी नहीं है भाई चार्टसा ठीक है ओके okay, uh, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इसकी डायग्राम कैसे बनती है ठीक है स्केच बनाना सीखेंगे चरसे की इट्स वेरी सिंपल वेरी इजी देखे मैं स्केच कर रहा हूं दिस इज योर वाटर बॉडी ठीक है वाटर बॉडी कह लें यू कैन ऑल्सो ड्रॉ अ वेल हेयर आप एक वेल well भी बना सकते हैं यहाँ पे सही है डायग्राम में आप आ, अपनी मर्जी के मुताबिक यू कैन आइदर ड्रॉ अ वाटर बॉडी और यू कैन ड्रॉ अ वेल इज वेल ठीक है होगा क्या बहुत सिंपल है यहाँ पर आपके पास एक पोल है ठीक है दिस इज अल उसमें से एक तरीके से रॉड पास हो रही है ठीक है दिस इज योर होल्डिंग रॉड ठीक है रॉड के एक एंड पर इस तरह रस्सी आती है बकेट दिस इज बकेट ठीक है और दूसरी तरफ आपके पास एक यहां से भी रस्सी आती है दिस इज अगेन रोप ये जो रोप होती है ये थोड़ी बड़ी होती है ये ठीक है ना ये जानवर के पैर में या पूरे के पूरे पेट पर बंधी हुई होती है सही है अब सीन क्या होता है जैसे जैसे ये जानवर आगे बढ़ेगा एज सुन एज दिस मूव ऑन ठीक है पानी देखो मिसाल के तौर पे आपने एक कुएं के अंदर एक बकेट फेंक दी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बकेट ऊपर आती जाएगी पानी ऊपर आता जाएगा तो जैसे जैसे ये हमारे डोंकी वगैरह एनिमल या डोंकी जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा पानी ऊपर आता जाएगा ठीक है इस मेथड ये पूरा मेथड है इस मेथड को चारसा क्यों कहते हैं उसके पीछे रीजन ये चार मीन फोर फोर लेग्ड जानवरों के चार पैर होते ठीक है दिस वॉज द डायग्राम ठीक है लेट्स टॉक अबाउट इट्स राइट इट्स डिस्क्रिप्शन ठीक है डिस्क्रिप्शन में जो डायग्राम बनाई होती है उसी को बस हमें वर्ड्स में शेप अप करके लिखना होता है सही है ना तो डिस्क्रिप्शन में पहली चीज़ वी राइट इज़ पोल ठीक है के कितने एंड्स होते हैं रॉड टू एंड्स दोनों एंड्स के ऊपर क्या अटैच होता है एक, एक पे रोप दूसरे पे भी रोप एक जो रोप होती है उससे अटैच होती है बकेट दूसरी जो रोप होती है उस वो किसके टाई की जाती है बांधी जाती है एनिमल ठीक है चौथा एज एनिमल मूव्स जैसे जैसे जानवर आगे बढ़ता है एज एनिमल मूव्स वाटर इज एक्सट्रैक्टेड वाटर इज एक्सट्रैक्टेड वाटर बाहर आना शुरू हो जाता है आगे बात समझ में सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्क्राइब दिस ठीक है तीसरी चीज पे आते हैं बेनिफिट्स जल्दी से इस मेथड को यूज करने के प्रोज एंड कॉन्स ठीक है बेनिफिट्स भाई बहुत सिंपल है बहुत इजी है पहला बेनिफिट इस मेथड को यूज करने का क्या है जब आप इस मेथड को यूज कर रहे हो आपके लिए क्या बच रहा है सेव्स कॉस्ट सस्ता है बहुत ठीक है दूसरा नो डी बल्कि इसी में कॉस्ट में आप डीजल इलेक्ट्रिसिटी दोनों डाल सकते हो ठीक है इसके अंदर आपको शदूफ के मुकाबले लेस लेबर रिक्वायर्ड लेस लेबर रिक्वायर्ड देन शदूफ शदूफ के मुकाबले आपको इसमें लेबर कम चाहिए होता है भाई, simple as that, तीसरा फायदा इसको यूज करने का एनी टाइम एनिमल्स अवेलेबल होते हैं लाइफ स्टॉक इज अवेलेबल ऑन फार्म इजीली लाइफ स्टॉक इज अवेलेबल ठीक है अफोर्डेबल है ये फॉर सबसिस्टेंस फार्मर्स फोर्डेबल फॉर सबसिस्टेंस फार्मर्स ठीक है सबसिस्टेंस फार्मर्स अच्छा अब इसके ड्रॉबैक्स की तरफ आ जाते हैं सही है ड्रॉबैक्स ठीक है नंबर वन किस पर डिपेंडेंट है जानवरों पर ठीक है सो डिपेंड्स ऑन ड्रॉट पावर जानवर नहीं होगा तो ये काम सही डिपेंड्स ऑन ड्रॉट पावर ठीक है नंबर टू दूसरा नुकसान इसको यूज करने का इस मेथड को क्या है इट्स नॉट सुटेबल फॉर बिग फार्म नॉट सुटेबल फॉर बिग फार्म कमर्शियल फार्म के लिए सूटेबल नहीं है तीसरा मसला इस मेथड को यूज करने का क्या है अगेन रिक्वायर्स लेबर जानवर को कौन संभालेगा भाई ठीक है चौथा मसला ठीक है लेस वाटर क्वांटिटी वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है एक और मसला है जो इस मेथड में भी है और शदूफ में भी है ये मेथड दोनों मेथड्स कब काम करेंगे जब बराबर में साथ में क्या मौजूद हो वाटर बॉडी अगर वाटर बॉडी नहीं है तो ये मेथड्स किसी काम के नहीं है रिक्वायर वाटर बॉडी ये दोनों मेथड्स की लिमिटेशन है कैनाल्स में क्या होता है कैनाल्स दूर से इलाके से लेकर के पानी आपके पास फील्ड्स तक लेकर के आ जाते हैं समझ रहे हो बात को तो ये मेथड्स हैं ठीक है जिनके बारे में हमने uh, बात की है सही है ना दीस आर ट्रेडिशनल मेथड्स जो दो हमने पढ़े ठीक है इसके अलावा वी हैव टैंक इरिगेशन ठीक है व्हिच इज वेरी सिंपल कोई सवाल है जल्दी से तो पूछ ले